को फिर से एक बार दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच में वनडे सीरीज का आगाज होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य टेस्ट सीरीज के बाद अब 19 तारीख से वनडे मैच खेले जाएंगे। इस मैच से जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि कौन कप्तान रहने वाला है और इस मैच से जुड़ी हुई सारी बातें बताएंगे दोस्तों कि कितने बजे से मैच होगा तथा इसकी कप्तानी कौन करने वाला है और भी महत्वपूर्ण बातें इस मैच से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों 19 जनवरी को पार्ल में होगा भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का आगाज। भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से ये मैच खेले जाएंगे तथा इस सीरीज में 3 मुकाबले खेले जाएंगे। वनडे सीरीज में केएल राहुल रहने वाले हैं भारतीय टीम के कप्तान, क्योंकि रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से ये टीम की जो कमान है वो केएल राहुल को दी गई है। तो टेस्ट सीरीज में भारत की 1-2 के अंतर से हार के बाद भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की नज़रें 19 जनवरी से शुरू होने जा रहे वनडे सीरीज पर टिक रही हैं। वनडे टीम की कप्तानी से हराए जाने वाले और टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली पहली बार एमएस धोनी के अलावा अन्य किसी खिलाड़ी की कप्तानी में खेलते हुए मैदान पर नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा के चोटिल होने की वजह से टीम की कमान केएल राहुल के हाथों में सौंपी गई है। वो पहली बार वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। जोहान्सबर्ग में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में विराट कोहली के चोटिल होने की वजह से राहुल को वनडे से पहले टेस्ट टीम की कप्तानी करने का मौका मिला था, लेकिन उस मैच में भारतीय टीम को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। वनडे सीरीज का आगाज 19 जनवरी को पार्ल शहर के बोलेंड पार्क मैदान पर होगा। इसी मैदान पर 2 दिन बाद यानी 21 जनवरी को सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इसके बाद 23 जनवरी को केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर दोनों टीमें सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच को खेलेंगी। दोस्तों तीनों ही मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों के जो खिलाड़ी होने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल कप्तानी की भूमिका में नजर आएंगे। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सुरेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर, ऋषभ पंत विकेट कीपर और ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, जयंत यादव, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज समेत नवदीप सैनी नजर आने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से अगर बात करें तो टेम्बा बाउमा कप्तान और केशव महाराज उप कप्तान, क्विंटम डिकाक, जुबैर हमजा, मार्को जेनसन, जानेमन मलान, सिसांडा मंगला, एडेन मार्करम, डेविड मुलर, लुंगी नगीडी, वेन पार्लेन, एंडिले फहलूक वायो, डेन प्रिटोरियस, कगिसो रबाडा, तबेरन सम्मी, राशिवान उर डेसेन और काइल वेरेने नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस मैच से जुड़ी हुई सारी बातें इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहेंगी और हम कल लाइव मैच के साथ साथ हाईलाइट भी अपने चैनल से देंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं कल के मैच के साथ। तो आज हमें इस वीडियो में इतने पर ही लेंगे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।